मैं रैंडम ऑर्डर में इस वीडियो का एक पोर्शन स्पॉन्सर किया कुकू एफएम ने, उनके बारे में अंत में जानेंगे। सबसे पहली आती है एक वर्ल्ड क्लास डिस्कवरी और यह है चंद्रयान 2 की तरफ से। तो चंद्रयान 2 के क्लास इंस्ट्रूमेंट, क्लास मतलब चंद्रयान 2 लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, इसने पहली बार दुनिया में एलिमेंटल क्रोमियम डिस्कवर किया है चांद पे। ये बहुत बड़ी बात है और ये सिग्निफाई करता है कि कैसे चंद्रयान 2 पे जो इंस्ट्रूमेंट्स है, चंद्रयान 2 ऑर्बिटर पे जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो वर्ल्ड क्लास है और वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स कर सकते हैं पूरी दुनिया में। अगली डिस्कवरी है रिसर्चर्स ने इकोनॉमिकल मेथड ढूंढा है हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए पानी से। अब अगर आप मुझे जानते हो तो मैं इलेक्ट्रोलिसिस गैंग के खिलाफ हूँ, मैं इलेक्ट्रोलिसिस गैंग का दुश्मन हूँ, पर इस केस में हम माफ कर सकते हैं इस चीज को क्योंकि ये जो अचीवमेंट है वो फाइनली हमारा है। तो आईआईटी बॉम्बे के रिसर्चर्स ने एक नया कैटलिस्ट बनाया जो मैग्नेटाइज था। तो उन्होंने देखा कि जब वो कैटलिस्ट एक ऐसी चीज होती है जो किसी भी रिएक्शन का स्पीड बढ़ाती है अलग अलग तरीकों से, जैसे सरफेस एरिया वगैरह बढ़ा के। तो उन्होंने नोटिस किया कि ये जो मैग्नेटाइज कैटलिस्ट है अगर उसे मैग्नेटाइज करते हैं तो ऑलमोस्ट 3 times इंक्रीज मिलता है इलेक्ट्रोलिसिस यूज करके हाइड्रोजन जनरेट करने में। तो हाँ, ये बहुत बढ़िया बात। अगला आता है एक क्यूमुलेटिव शाउट आउट हमारे प्राइवेट स्पेस एजेंसीज को जिन्होंने काफी अच्छा अच्छा काम किया इस साल। सबसे पहले हमने साल स्टार्टिंग में देखा अग्निकुल ने अपने अग्निलेट क्रायोजेनिक इंजन फायर की, सेमी क्रायो इंजन, केरोसिन और लिक्विड ऑक्सीजन तो इस्तेमाल करता है। फिर उन्होंने उसी इंजन का एक फुल स्केल मॉडल दिखाया उनके एग्जीबिशन में, जहां पे नोजल वगैरह सब कुछ था, उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था। फिर उसी इंजन का जो इलेक्ट्रिक लॉक्स पंप था उसे फुल 3D प्रिंटेड का एक वीडियो उन्होंने रिलीज किया था। उसके बाद ऑफकोर्स रिसेंटली जैसे स्काईरूट ने अपना धवन इंजन टेस्ट किया, धवन और जो अग्निलेट अग्निकुल का, उन दोनों पे वीडियो मैंने बना चुके, आप देख सकते हो। उसके बाद आता है एक ऐसी चीज जो इसरो ने हमसे छुपाई, और ये इसरो की एक बुरी आदत है कि वो अपने अचीवमेंट छुपाता है, उसको फेमस नहीं करता है। और ये था कि चंद्रयान 2 ने, क्योंकि चंद्रयान 2 के ऊपर एक खतरनाक कैमरा है वर्ल्ड का बेस्ट, जिसका नाम है OHRC ऑर्बिटर हाई रेजोल्यूशन कैमरा, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना चुका हूं, इसने अपोलो 11 के लैंडिंग साइट्स की फोटो ली। अब आप इमेजिन करो ये इसरो लेता और उनके सोशल मीडिया पे डालता तो पूरे दुनिया में मतलब ऐसे बज चले जाता, सब लोग बात करते इसके ऊपर। पर वो किया नहीं, एक कोई रैंडम कोई छोटे से उनका कोई गुज कोस इवेंट था, उसमें वो प्रेजेंटेशन दे रहे थे सैक के डायरेक्टर, उसमें हमको पता चला ये सब। तो इसमें से पता नहीं चल रहा है क्योंकि ये देख के लग रहा है कि वो स्क्रीनशॉट है, तो बहुत लो रेजोल्यूशन लग रहा है, पर जब भी रॉ इमेज हमें दिखेगी तो मजा आ जाएगा अपोलो की साइट देखने में। उसके बाद आता है JMRT और चंद्रा एक्सरे टेलीस्कोप का कोलैबोरेशन एक डाइंग गैलेक्सी, मतलब एक एक्टिव गैलेक्सी का डाइंग फेस कैप्चर करने में। अब देखो, अगर आपने मेरा टॉप 15 टेलीस्कोप्स ऑफ इंडिया वीडियो देखा है, मतलब इंडिया में बहुत वर्ल्ड क्लास टेलीस्कोप से, ठीक है, उसमें से एक ये है JMRT यानी जायंट मिटरवेव रेडियो टेलीस्कोप। अब ऐसे बहुत सारे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का आ रहे हैं, पुणे के नजदीक है, तो उसने फाइंड वो डेटा कैप्चर कर पाए एक एक्टिव गैलेक्सी के जो उनके डाइंग फेज में था। ये बहुत बहुत रेयर इवेंट है और ऑब्वियसली जो अभी करंट अपग्रेडेड JMRT है, जिसे लोग UJMRT से रिफर करते हैं, वो उसके डेटा कंबाइन किया गया था चंद्रा एक्सरे टेलीस्कोप। चंद्रा एक्सरे हमारा नहीं है, नासा का टेलीस्कोप है, उन दोनों के डेटा कंबाइन करके ये फाइनलाइज किया था, जो मस्त बात है। अगली बात, और ये मेरा फेवरेट शायद इस लिस्ट में, क्योंकि ये अलग है और बहुत यूजफुल है, मतलब हम जैसे नॉर्मल लोगों के लाइफ में। रिसर्चर्स ने डेवलप किया एक क्लाइमेट कंट्रोल्ड, यानी एक स्मार्ट विंडो। बेसिकली स्मार्ट विंडो कैसे, बेसिकली आपके नॉर्मल ग्लास लिए है उन्होंने बीच में मेटल लेयर्स और एक इलेक्ट्रो ऑप्टिक पॉलीमर सैंडविच के ग्लास के बीच में। अब वो क्या कर सकते हैं, इस इलेक्ट्रो ऑप्टिक पॉलीमर का वोल्टेज वेरी करके इस चीज का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बदल सकते हैं। तो वो कंट्रोल कर सकते हैं कि क्या लाइट अंदर आएगी, क्या इंफ्रारेड लाइट अंदर आएगी या शॉर्ट इंफ्रारेड अंदर आएगी। तो उसे आप इसका फायदा समझो, तो अगर आप गर्मी में हो तो आप डिम कर सकते हो, ऑटोमेटिकली डिम हो सकते हैं आपके विंडोज ताकि गर्मी कम आए घर के अंदर। और अगर आप विंटर में हो तो आपका जो इंफ्रारेड लाइट वगैरह है, इंफ्रारेड वेव्स वगैरह है और विजिबल लाइट वगैरह है, वो बढ़ा सकते हो ताकि आपका घर नेचुरली गर्म रहे। ये ऐसी चीजें जो आप पढ़ के सुनते हो कि अब तक इंप्लीमेंट क्यों नहीं हुई। हाँ, हमारे पास टिंटेड ग्लास वगैरह है, पर वो एक स्टैटिक है ना, वो मेंटेन करते हैं अपना टिंट, ऐसे नहीं कि गर्मी में अपने आप ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। तो हाँ, मैं इनको जरूर कांटेक्ट करने ट्राई करूंगा, थोड़ा डिटेल वीडियो बना सकते हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा मेरे को ये। अगला अचीवमेंट आता है IIT इंदौर के साइंटिस्ट ने एक नया अप्रोच ढूंढा जीका वायरस के रेप्लिकेशन को कम करने के लिए, इनहिबिट करने के लिए। तो जीका कुछ सालों पहले आपको बता ही रहेगा बहुत बहुत बड़ी इशू हो गई थी, ये एक मस्किटो बोर्न वायरस है। तो ये जो साइंटिस्ट है उन्होंने एक जेनेटिक मेकअप या जेनेटिक पार्ट्स आइडेंटिफाई
के वायरस के जो हम यूज कर सकते हैं ड्रग्स को टारगेट करने के लिए, ड्रग्स मतलब मेडिसिन। और फिर उन्होंने कुछ टेस्ट किया और उनको पता चला कि ऑलमोस्ट 3 times कम कर सकते हैं रेप्लिकेशन। तो ये एक बहुत पॉजिटिव खबर है और देखते हैं कहां जाता है। अगली अचीवमेंट है क्वांटम सस्ती मस्ती, यानी इसरो का क्यूकेडी डेमो, यानी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन डेमो। और ये फेमस इसलिए क्योंकि मैंने पब्लिकली प्रॉमिस किया वीडियो लाऊंगा अगले महीने का, आधा साल हुआ और अब तक वीडियो नहीं आया। प्रॉब्लम है कि वो कुछ और चीज में डोमिनेंट हो गया मेरा ब्रेन और मैं फोकस नहीं कर पाया उस पर। इनफैक्ट मैंने बैंगलोर के क्यूएनयू लैब्स, जो एक स्टार्टअप है क्वांटम इसमें क्यूकेडी में ही, उनसे बात भी की थी उनके सीटीओ से वगैरह। तो प्रॉमिस कर रहा हूं मैं अगले साल या फर्स्ट क्वार्टर या फर्स्ट हाफ में कैसे ना कैसे करके ये वीडियो बनाऊं। पर अगर आप ओल्ड सब्सक्राइबर हो तो आपको बताए मेरे प्रॉमिसेस वीडियो के पॉलिटिशियन के प्रॉमिसेस की तरह रेयरली, बट मैं ट्राई करूंगा प्रॉमिस। और एक चीज याद रखना कि जो वीडियो कॉल हुआ था इस क्यूकेडी डेमो में वो नॉर्मल सिग्नल पे हुआ था, जिसमें आप करते हो मैं करता हूं, बस जो की एक्सचेंज था वो क्वांटम लिंक पे हुआ था। एनीवेज मैं एक्सप्लेन कर दूंगा वीडियो में। अगला अचीवमेंट ये है कि इंडियन रिसर्चर्स ने कुछ फॉरेन रिसर्चर्स के साथ कोलैबोरेट करके एक ऐसा इवेंट डिस्कवर किया जिसमें उन्होंने नोटिस किया कि 3 अलग ब्लैक होल्स 3 गैलेक्सीज के मर्ज हो गए और एक एक्टिव ट्रिपल एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस फॉर्म किया। ये बहुत रेयर इवेंट था और बेस्ट थिंग इस चीज में ये है कि दूसरे टेलीस्कोप तो इस्तेमाल हुए ही थे, बट अपना जो है एस्ट्रोसेट टेलीस्कोप जो स्पेस में है उसका डेटा भी इस्तेमाल किया था डिस्कवरी करने के लिए। अगेन एज यूजुअल हर एक चीज का सोर्स डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको और भी पढ़ना है इस चीज के बारे में, तो किसी भी चीज के बारे में। अगली चीज आती है इवेपरेशन मस्ती। मतलब देखो आप बोलोगे इवेपरेशन का क्या कर रहा, बेसिकली साइंटिस्ट ने एक नया मेथड ढूंढा एक्सेलरेटेड इवेपरेशन और इवेपरेशन कंट्रोल करने के लिए। पर क्यों? देखो इवेपरेशन और ड्रॉपलेट कंट्रोल ना बहुत इंपॉर्टेंट चीजें प्ले करती है हमारे लाइफ में। जैसे आपका प्रिंटर हुआ, आपको प्रिंटर कैसे कर रहा है मतलब ये सब काम, वो बहुत माइक्रो बबल्स को कंट्रोल करता है, उसका लोकेशन और उसका लाइफ मतलब कितने जल्दी इवेपरेट होगा, और उस तरह से प्रिंट करता है। तो इन्होंने जो यूज किया टेक्निक वो एक मैग्नेटिक फील्ड टेक्निक था, जिसमें कुछ मैग्नेटिक पार्टिकल्स डिसॉल्व किए थे नॉर्मल फ्लूइड में, और मैग्नेटिक फील्ड का और स्ट्रेंथ और पोजिशन कंट्रोल करके ये उसका इवेपरेशन रेट कंट्रोल कर पा रहे थे। आई थिंक इस पूरे फील्ड को बायो माइक्रो फ्लूइड्स कहते हैं ऐसे वैसे कुछ। तो ये काफी इंटरेस्टिंग डिस्क। उसके बाद आता है एक और अचीवमेंट जीएमआरटी का, जो मैंने टेलीस्कोप बोला था रेडियो टेलीस्कोप। तो उन्होंने एक स्टार्स ढूंढे जो हमारे सन से भी गर्म है। ये स्टार्स करीब 8 ढूंढे शायद इस साल, टोटल 15 वैसे कुछ है, जिसका नाम है, जिसका क्लास है एमआरपी, यानी मेन सिक्वेंस रेडियो पल्स एमिटर्स। तो ये ऐसे जो रेडियो पल्सेस एमिट करते रहते हैं फ्रिक्वेंटली, तो इनके बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेलर विंड होता है, इसलिए ये जो अगर आप रेडियो सिग्नल देखोगे तो ये ऐसे लाइट हाउस की तरह पल्स ऐसे मतलब ग्लो स्टॉप होते हैं। तो ये एक और इंटरेस्टिंग डिस्कवरी थी जीएमआरटी की। उसके बाद आता है एक नया मेथड डिटेक्ट करने का कोलोरेक्टल कैंसर, मतलब कोलोन और रेक्टम का कैंसर, मतलब आपका जो रियर सॉलिड आउटपुट जोन है, आप समझ लो यार, यूट्यूब पे फिर डिमोनेटाइज कर लेगा। तो आपको पता है आइडियली क्या होता है, कोलोनोस्कोपी होती है, मतलब वो कैमरा डालते हैं पीछे से आपके, और फिर नॉर्मल डॉक्टर जो है वो फिर ऑब्जर्व करेगा मैनुअली और फिर कंक्लूजन निकालेंगे है कि नहीं कैंसर, क्योंकि ये कैंसर ऐसा है ना अगर आप अर्ली डिटेक्ट करोगे तो आप क्योर कर सकते हो। तो इस केस में उन्होंने एक नया एआई मॉडल बनाया या मशीन लर्निंग मॉडल बनाया जो बस एक इमेज से पता लग सकता है कि है कि नहीं कोलोरेक्टल, तो जो इंटरेस्टिंग अगेन। उसके बाद आते हैं एक काफी इंटरेस्टिंग डॉक्टर स्ट्रेंज टाइप इस चीज के बारे में, जो जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था कि कैसे एक ग्रुप है आईसर कोलकाता का जिसका नाम है सेसी, उन्होंने रिसेंटली अपना एल्गोरिथम मतलब फाइनली पब्लिक में लाया कि दे कैन प्रिडिक्ट कि जब सोलर फ्लेयर आएगा और कब नहीं आएगा। इसके ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया, उसको 2 लाख व्यूज भी है, शायद आपने देखा भी होगा वो वीडियो। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था क्योंकि सन की एक्टिविटी फिर चाहे वो सोलर फ्लेयर हो तो वो प्रिडिक्ट कर सकते थे उससे अपने एल्गोरिथम से पहले ही, एक वीक पहले एक दिन पहले, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा क्यों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं ऑफकोर्स हम कैसे डिनाई कर सकते, इस साल कोविड वैक्सीन मेन स्ट्रीम हुए और मैं बहुत इंप्रेस्ड हूँ हमारे इंडियन साइंटिस्ट और इंडियन कंपनी से कि कितना क्विकली वो लोग रैंप अप किए और कितना क्विकली सब रेडी किए वैक्सीन। हम बोल सकते हैं कि इंडिया लिखी थे कि ऐसे कंपनीज और साइंटिस्ट इंडिया में कि हमारे पास खुद का सप्लाई चेन था वैक्सीन के लिए, हम दूसरे कंट्रीज की तरह डिपेंडेंट नहीं थे कि कोई भेजेगा, कोई कंपनी भेजेगी हमें वगैरह नहीं। स्पेशली कोवैक्सीन, मैं पर्सनली भी कोवैक्सीन लिया हूँ। आप बोल सकते हो आपने कौन सा वैक्सीन लिया, जो है वो ले लो, जो मिलता है वो ले लो। कोवैक्सीन ज्यादा लेट डिप्लॉय नहीं हुआ, ऑल्दो उनका रैंप अप इंक्रीज हो रहा है, ऑल्दो रैंप अप मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, बट इट्स स्टिल गुड। आई थिंक 25% है वैसे कुछ, 25 करोड़ है वैसे कुछ डोजेस कोवैक्सीन के, कोट मत करो मेरे पास इसका सोर्स नहीं है, बट काफी प्राउड फील हुआ ये देख के कि हम जब ऐसे प्रेशर में आते हैं और जब जो हमारे पास साइंटिस्ट है वो केपेबल है इस लेवल का वर्ल्ड क्लास
फेमस प्रोडक्ट बनाने के लिए इंडिया में। और लास्ट आता है एक इंडियन एस्ट्रोनॉट जो चांद पे जाएगा। अब देखो इंडियन एस्ट्रोनॉट बहुत सारे, करेक्ट। सबसे पहले एक फर्स्ट एंड ओनली इंडियन एस्ट्रोनॉट, मतलब जो इंडियन सिटीजन था, वो तो हमारे राकेश शर्मा सर है, वो एक हुआ। अभी चार है इसरो के पास जिनका नाम हमें नहीं पता, तो पांच टोटल हुए अभी। ऑफकोर्स ये आते हैं इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट। अभी मुझे बताया कमेंट में डिबेट स्टार्ट होगा कि भाई इन्हें इंडियन नहीं बोल सकते। इंडिया देखो, इंडिया का इंडियन में हो या बाहर हो, अचीवमेंट इंडिया का ही है ना, इंडियन का ही है ना। तो अनिल मेनन ये जो रिसेंट एस्ट्रोनॉट है नासा ने सिलेक्ट किया, ये ऑब्वियसली रेगुलर स्पेस मिशन में जाएंगे, पर ये आर्टिमिस का बैच भी है, मतलब जो नासा का मिशन है चांद पे लैंड करने का, उसका पार्ट होने के चांसेस है। पर ये ओनली नहीं है, इससे पहले राजा चारी भी सिलेक्ट हुए थे लास्ट ईयर, उससे पहले शायद वो भी है। तो हमारे पांच इंडिया बेस है ही, फिर राजा चारी, फिर अनिल मेनन, प्लस सुनीता विलियम्स भी वापस फ्लाई करने वाली है, तो वो हुआ आठ हुए। एंड ऑफकोर्स कल्पना चावला भी थी जो जिनकी ट्रेजिक डेथ हो गई री एंट्री करते वक्त स्पेस शटल्स, आपको पता ही होगा उनकी सेकेंड फ्लाइट थी। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि उस मिशन के ऊपर वो पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एक पोस्टर लेके जा रही थी, ये मुझे पता चला एक ऑडियो बुक सुनते वक्त जिसका नाम है कल्पना की उड़ान, कुको FM पे आपको मिल जाएगा। आपने सुना ही होगा कुको FM के पास बहुत बड़ा ऑडियो बुक का कलेक्शन है। फिलहाल उनका न्यू ईयर सेल चल रहा है जिसके अंदर अगर आप कूपन कोड NY50 यूज करोगे तो आपको 199 में पूरे साल का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। तो जरूर लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हो। याद रखो ये ऑफर बस 31 December 2021 तक है। तो बस यही था, ये मेरी फर्स्ट स्पॉन्सरशिप थी, आपका फीडबैक जरूर जानना चाहूंगा। ज्ञान की गरीबी सबसे बड़ी, जय हिंद जय भारत, हो सके तो मेंबर बन जाओ। स्पेशल थैंक्स टू कार्तिकेय देवाल, वुडलाई चैतन्य, जयम शर्मा, रोहित सुवर्ण, नारायण प्रसाद, सुमित्रा अंडाले, हिमांशु शंकर, सिद्धार्थ कृष्णन, सचिन यादव, कुजवी मेहता, आकाश पाटिल, एनोनिमस, तन्मय देशपांडे, विक्रम वर्मा, अभिषेक श्रीवास्तव, निशंत कुमार, प्रिंस बंसल, प्रीतम, रजत देशपांडे, विशाल भारत, तरुण महाजन, शशांक कोठारी, श्रीहर्ष महापात्रा, पल्लव रानडे, गौतम साई सूर्या, मोहम्मद शाहजन, रिसर्च एक्सप्लोरर हाइड्रेटिंग और क्रिस नायर।